आ रही है बहुत बड़ी खबर। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि जो आ गया है बीएससी की कट ऑफ, बीएससी मैथ की कट ऑफ आउट हो चुकी है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो तुरंत बनाई है जिससे हम आपको वीडियो के थ्रू बता सकें बीएससी कट ऑफ कितनी गई है, कितना बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, कितने मार्क्स में उनको मेन कैंपस मिल जाएगा। ये पूरी वीडियो आज हम इस वीडियो में ले आए हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो मैं वीडियो आपको शुरू करूं और वीडियो में सबसे पहले आपको बीएससी कट ऑफ तुरंत बताऊं जिससे आपका एडमिशन का वो हो। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग की डेट आई है वो 6 तारीख को आई है। 6 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है और 7 तारीख को सेकंड काउंसलिंग की डेट है। तो मैं सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में बता दूँ कट ऑफ कितनी गई है। 6 तारीख को जो आई है डेट, 6 उसमें कट ऑफ गई है बीएससी मैथ की जनरल वालों की 182 से अबव या 82 मांगा है, इतने बच्चों हो है मार्क्स से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो एसटी वालों को मांगा है 6 तारीख की काउंसलिंग में 92 से अबव, 92 या 92 से अबव है, तो उनका आराम से मेन कैंपस में हो जाएगा। बीएससी मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट की नहीं। और जो दूसरी कट ऑफ काउंसलिंग की डेट है 7 तारीख, उसमें कितनी कट ऑफ मांगी है ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो बता रहा हूँ, जो 7 तारीख की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मांगी गई है वो मांगी गई है जनरल वालों के लिए 192 से अबव भी, और एसटी का 92। और ओबीसी का मैं बता दूँ, ओबीसी की कितनी कट ऑफ मांगी गई है, ओबीसी की कट ऑफ मांगी गई है 165। अगर आपके 165 या 165 से अबव हैं तो आपका मेन कैंपस में हो जाएगा, आपको कोई चीज़ से लेने की जरूरत नहीं है। और एसटी की आपको मैं बताई दी 92, और ओबी और जनरल वालों की ऑल अदर कैटेगरीज 192 से अबव या 192 मांगा है। अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको मेन कैंपस आराम से मिल जाएगा, वो मेन कैंपस मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका आराम से मेन कैंपस में हो जाएगा। ओबीसी का 165। अब ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ऐसी वीडियोस में कट ऑफ की रिलेटेड हर न्यू वीडियो मैं तुरंत ही आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर लाता रहा, अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।